बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और बिल्कुल हैरियत से हैं। तो इस वक्त सुबह के 11 बजे हुए हैं और मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में हम सब लोग अंडा और पराठा खाएंगे। इसकी असल वजह ये है कि कल की शदीद बारिश के बाद, बल्कि परसों रात से बारिश शुरू हुई हुई थी जो कल सारा दिन तक जारी रही और रात में भी बारिश वक्फे वक्फे से होती रही, जिसकी वजह से इस वक्त रोड्स पे अभी भी पानी खड़ा है। तो कोई भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी हनान से कह रही थी कि आप जाओ और मार्केट से ब्रेड ले आओ, लेकिन वो माना ही नहीं। तो मैंने सोचा कि आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, तो क्यों ना आज हम लोग पराठा बनाएं ब्रेकफास्ट में। तो मैं इस वक्त बना रही हूँ पराठा और अंडा, साथ में होगी हमारी चाय। तो आप हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा साथ दीजिए और ब्लॉग देखते रहिए, और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बड़ वक्त मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हनान और मैं अभी बाजार से होके आए हैं कुछ देर पहले। स्पाइसेस खत्म हुए हुए थे तो उनको लाना जरूरी था। कल भी बारिश की वजह से मैं मार्केट नहीं जा सकी, तो आज फिर ब्रेकफास्ट करते साथ ही हनान और मैं हम दोनों मार्केट चले गए। और ये कुछ सुरख मिर्च और बाकी मसाला जात लेके आए हैं, और ये बच्चों के नूडल्स। और बाकी गरम मसाला, नहीं ये सूखा धनिया है पिसा हुआ, और ये है गरम मसाला, हल्दी, और ये साबुत सूखा धनिया, और इसी तरह से साबुत गरम मसाला। तो बस यही चीजें लेने के लिए हमें मार्केट जाना था। तो वापसी पे जब हम घर आ रहे थे तो हमें ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ग्रीन ग्रीन से मटर देखने को मिले, तो हमने फ़ौरन ही 2 किलो मटर ले लिए और इसमें से खूब भर के दाने निकले हैं, काफ़ी मोटे मोटे दाने हैं। तो अभी हम सब ने मिलके निकाले हैं मटर, और मैंने धो के रखे हैं कि ये थोड़े से फिर इनमें से पानी निकल जाता है तो मैं इन्हें फ्रीज कर दूँगी। जिस तरह कल सारा दिन बारिश होती रही तो हम मार्केट नहीं जा सके, तो ऐसे ही कोई वेजिटेबल्स घर में हो तो फिर पकाने में आसानी रहती है। तो बस इसके हम मटर वाले चावल पकाएंगे किसी दिन।
मटर गोश्त भी बहुत अच्छा पकता है। तो बस अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको तो मैं 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँगी, 3 से 4 दफ़ा भी हो सकते हैं। तो बस अभी इन्हें मैंने धो के रखा है और इन स्पाइसेस को मैं अभी कंटेनर्स में डाल दूँगी। कल ऐसा हुआ कि राइस में डालने के बाद नमक बिल्कुल फिनिश हो गया था, तो सुबह अंडों पे डालने के लिए नमक नहीं था ब्रेकफास्ट में, तो फिर हमने ब्रेकफास्ट से फारिग होके पहले यही ज़रूरी समझा कि हम मार्केट से होके आते हैं और बाकी काम फिर बाद में कर लेंगे। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही हम मार्केट से आए हैं और आके बस हमने ये मटर निकाले हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हरे हरे मटर। तो गाइज इस वक्त शाम का टाइम है और मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी। नूडल्स हमारे तैयार हो चुके हैं और साथ ही मैं आलू बॉयल कर रही हूँ। आज आलू के कटलेट्स बनाएंगे हम। ये नूडल्स का नया फ्लेवर आया है, चीजी फ्लेवर, और ये काफी मजे का है। हमने एक दफा इसे पहले भी ट्राई किया था तो हमें ये काफी टेस्टी लगा, तो आज मैं दूसरी दफा इसे लेके आई हूँ। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल चीज का फ्लेवर देता है ये, तो ये काफी मजे के हैं। तो चलिए नूडल्स हमारे तैयार हो गए, अब मैं इन्हें बच्चों को सर्व करती हूँ और साथ ही पहले मैं आलू देख लूंगी। अभी इनमें थोड़ी सी कसर है तो मैं इसे मजीद बॉयल होने दूंगी। अब मैं किचन में आई हूँ, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि चेक कर लूँ इन्हें। तो आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके, तो मैं अब एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर लूंगी ताकि ये फिर खुश्क हो जाएं और ठंडे भी हो जाएं, तो फिर मैंने मैश कर लूंगी, तो फिर कटलेट्स बनाएंगे। तो गाइज अभी कुछ देर पहले ही हम घर वापस आए हैं। हम लोग गए थे अम्मी के घर क्योंकि अम्मी का घर हम लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है, तो हम लोग वहां चक्कर लगाने के लिए गए थे, तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हम लोग बिल्कुल सड़क के दरमियान में थे तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी की बैटरी कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं अरीबा के नॉर्ड स्कूल में सबमिट करवाने के लिए गई थी तो वहां भी ऐसे ही हुआ था कि गाड़ी बंद हो गई थी। तो तब फिर ऐसे हुआ था कि हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, बैटरी वाले पास ही थे तो उन्होंने अपनी बैटरी के साथ हमारी गाड़ी को चार्ज कर दिया था, तो फिर गाड़ी हमारी चल पड़ी थी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि सड़क के दरमियान में गाड़ी रुक गई, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। हनान भी मेरे साथ था और अम्मी भी मेरे साथ थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मिलके और हनान ने भी साथ मिलके गाड़ी को धिक्का लगाया, लेकिन गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक है जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी, तो काफी परेशानी हुई। काफी दूर तक वो लोग गाड़ी को धिक्का लगाते रहे, फिर हमें बहुत चल के भी जाना पड़ा ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पास, तो उन्होंने फिर हमारी गाड़ी को अपनी बैटरी के साथ चार्ज किया। तो अब हम इस वक्त घर पहुंचे हैं और इस वक्त रात के 8:30 हुए हुए हैं और बहुत ही थक गए हैं हम और बहुत ही परेशानी देखी है। तो अब मैंने गाड़ी उसी वक्त बाहर निकालनी है जब मेरी गाड़ी में न्यू बैटरी पड़ जाएगी, क्योंकि उससे पहले मैंने फिर गाड़ी को बाहर नहीं निकालना, नहीं तो बहुत परेशानी आज हमने देखी है। तो चलिए अब बाकी के काम कर लेते हैं, अभी मैंने डिनर भी नहीं बनाया, तो चलिए अब डिनर के लिए कुछ करते हैं। वैसे मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे तो मैं डिनर में अब कटलेट्स ही बना लूंगी, नहीं तो पहले यही सोचा था कि शाम की चाय में कटलेट्स बच्चों को दे दूंगी, लेकिन बच्चों ने काफी देर पहले के नूडल्स खाए हुए हैं और शाम में हम लोग फिर वहां चले गए थे तो शाम की चाय में नहीं पी सकी। इस वक्त भी मैं अब डिनर में कटलेट्स ही आलू के बना लूंगी और उसी के साथ फिर हम रोटियां बना लेंगे और वही खा लेंगे, क्योंकि अब टाइम काफी हो चुका है और इस वक्त गैस जाने का भी टाइम हो गया है, तो 9:30-10 बजे तक गैस भी चली जाती है, तो उससे पहले ही मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो चलिए अब मैं आलू के कटलेट्स बना लेती हूँ और अभी मैं दूध को बॉयल दिलवा रही हूँ। इस वक्त रात के 9 बजे हुए हैं और मैं अब बॉयल दिलवा रही हूँ। आज शाम में हम लोग घर नहीं थे जिसकी वजह से फिर आज दूध को बॉयल दिलवाने में भी देर हो गई, तो बस बॉयल आने ही वाला है, उसके बाद मैं अपने कटलेट्स फ्राई करूँगी। तो बस दूध को बॉयल आ गया, तो कटलेट्स में मैं डालती हूँ साबूदाना। साबूदाना को मैंने पानी में भिगो के तो फिर इसे ड्रेन आउट कर लिया था और अब देखें ये खुश्क हो गए हैं। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और फिर इसे मिक्स कर दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें पानी होगा ना वो खुश्क हो जाएगा। थोड़ा सा बस आपने कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करना है
इसका पानी खुश्क करने के लिए। इसमें डालेंगे नमक हसबे जायका, आप अपने फ्लेवर के मुताबिक स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, इसका तीखा तीखा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा जीरा, और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला हाफ टी स्पून के बराबर। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला साबूदाना में जज्ब हो जाए, तो इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त बनता है। ये रेसिपी असल में इंडियन कुजीन से है, तो मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है और मैं अक्सर ही इसे बनाया करती हूँ। जब आपने कटलेस चिकन के बगैर बनाने हो तो उसमें साबूदाना को ऐड कर दीजिए, तो उसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त लगता है। ये देखिए, साबूदाना को आपने आधा घंटा पानी में भिगो के तो फिर उसे ड्रेन आउट कर लेना है। उसके बाद उसे 3 से 4 घंटे के लिए फिर मैंने रख दिया था छलनी में डाल के, ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो अब इसमें से पानी अच्छे से निकल गया था, तो अब मैं बना रही हूँ कटलेस, और इसमें हम आलू सिर्फ 2 ही डालेंगे, ज्यादा आलू इसमें ऐड नहीं करते, वरना फिर हमें आलूओं का ही फ्लेवर आएगा। तो चलिए, सारा मसाला साबूदाना में जज़्ब हो गया, तो इसमें अब मैं आलू डालने लगी हूँ। जब कुछ भी पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप फौरन से इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा मसाला ज्यादा डालने हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज है इसमें, चिकन वगैरह भी नहीं है कि हमें चिकन को बॉईल करने में टाइम लगे। तो जब भी आपका मूड हो तो आप साबूदाना को पहले पानी में भिगो के तो ड्रेन आउट कर दीजिए, 3 से 4 घंटे में उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा, तो बस फिर ये कटलेस इजीली बन जाते हैं। तो बस 2 आलू मैंने डाले हैं हाफ हाफ करके। और अब मैं इसे हाथों की मदद से मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, स्पून के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि हाथ आपने पहले धोए हों, क्योंकि किचन का काम करने से पहले हाथों को वॉश कर लेना चाहिए। सारे जरासीम जो हैं वो हाथों के जरिए ही मुंतकिल होते हैं, तो हाथों को धोते रहना चाहिए बार बार। तो बस हमारा बैटर देखें कितना जबरदस्त तैयार हो गया। ये असल में आज हम चाय के साथ खाने वाले थे शाम में टी टाइम में, लेकिन फिर हमें जाना पड़ गया तो तब हम खा नहीं सके। तो फिर मैंने डिनर में भी कुछ नहीं बनाया हुआ था, तो फिर यही मुनासिब लगा कि हम जल्दी से इनको ही बना के तो खा लेते हैं रोटियों के साथ। तो हमारा बैटर रेडी है, अपने जायके के मुताबिक हम इसमें स्पाइसेस को चेक कर लेंगे, और बाकी हमारा बैटर रेडी है। तो इसके मैं छोटे छोटे से बॉल बना लेती हूँ। बहुत जबरदस्त मसाला इसमें डला है, बहुत जायका मजे का बना है। ये देखें इसका बॉल बना के, तो हम इसे हथेली के दरमियान में रख के जरा सा प्रेस करेंगे तो इस शेप में बन जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से, ये छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं सारे बना के रखती जाऊंगी। और देखिए कितने ज्यादा हमारे कटलेस तैयार हो गए। 2 आलुओं से ही मैंने इतने ज्यादा कटलेस तैयार कर लिए हैं,
और ये एक छोटा सा मुर्तजा के लिए भी बन गया, जितना मुर्तजा है उतना ही कटलस बन गया उसके लिए, छोटा सा मुन्ना सा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा हल्की हल्की आंच पे गर्म हो रहा था, तो अब मैं इसमें कटलस रखती जाऊंगी। इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे वरना ये टूट जाएंगे, तो जब ये खुद ही से ऊपर आएंगे तो फिर हम इन्हें पलटेंगे। गाइस हमारे डूबे हुए कटलस ने तैरना सीख लिया, तो जैसे जैसे ये पकते जाएंगे खुद ब खुद ऊपर की तरफ आते जाएंगे। जब हम इन्हें ऑयल में डालते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन आपने उन्हें अलहदा नहीं करना, क्योंकि उस वक्त अलहदा करने के चक्रों में ये फिर टूट जाएंगे। तो जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं तो ये तैरना शुरू कर देते हैं। और देखें ये कितने फूल भी गए हैं। तो हमारे मजेदार से कटलस तैयार हो रहे हैं, एक साइड से ये पक चुके हैं, बहुत ही मजे के लग रहे हैं। तो ये अब तैयार हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे कितने ही जबरदस्त कटलस तैयार हो गए हैं, और देखने में ही ये बहुत यम्मी लग रहे हैं। आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा, ये आपको बहुत मजे के लगेंगे, आपको पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए अब इनका मैं दूसरा बैच फ्राई कर लेती हूँ। तो देखें गाइस ये बहुत ही मजे के तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रंची होते हैं ये। ये देखने में ही कितने यम्मी लग रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इन्हें चपाती के साथ खाते हैं, वैसे तो ये टी टाइम में चाय के साथ खाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें डिनर में खा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना डिनर कर लेते हैं, और ये दूसरा बैच जब तक ये ऊपर तैरने नहीं लगेंगे मैं इनको पलटूंगी नहीं, जब ये तैरने लगेंगे तो फिर मैं पलटना शुरू कर दूंगी इन्हें। तो ये फ्राई होते रहेंगे अभी। तो इस कॉफी के कप के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।